जी मेरा नाम महर कयूब है एंड मैं बांदीपुरा के कॉलेज काजीपुरा से बिलोंग करती हूँ। जी मेरी बेसिक जो स्कूलिंग है वो महबूबुल आलम मॉडल स्कूल बांदीपुरा में हुई है। वो बहुत ही एक अच्छा स्कूल था, हमेशा से एक बहुत अच्छा वहाँ पे मेंटोरशिप रहता था। उसके बाद मेरे ट्यूशन टीचर एजाज सर थे, उसके बाद मैंने 5th से लेकर 10th तक मैं हमेशा उनके पास ट्यूशन पढ़ती थी। एंड देन फिर जब 10th हमारा पास हुआ उसके बाद 11th 12th में मैं पहले गई थी कुछ ट्यूशन सेंटर्स के पास, बट थोड़ा सा लॉकडाउन इशू हुआ था, मेरी हेल्थ इशू हुई थी, जिसकी वजह से फिर मैं घर ही आई थी। एंड देन मैंने ऑनलाइन PW का बैच ज्वाइन किया था, यकीन 2.0। एंड फिर मैंने साथ साथ में जो स्काई क्लासेस है उनकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से एक डेडिकेशन डिसिप्लिन रहा था थ्रू आउट द ईयर। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हुआ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड दिस फाइनली। फैमिली के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली जो मेरे बड़े पैटर्नल मैटर्नल फैमिलीज हैं, मेरे अम्मी अबू हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एक बैकबोन की तरह रहे मेरे लिए। मेरे जो ब्रदर है वो इस वक्त यहाँ नहीं है, उनका भी मेरे सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे रोल मॉडल थे हमेशा से वो, ही ऑल्सो क्वालिफाइड NEET 2020। एंड फैमिली का तो सपोर्ट हमेशा ही रहता है, मतलब जिनके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है वो चाहे कितने भी आगे उनमें पोटेंशियल होता है, बट कहीं ना कहीं उनमें रहता है कि काश फैमिली सपोर्ट करती तो हम ये कर सकते थे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल फैमिली मेंबर्स के अपने घर वालों के बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ये एक लंबी जर्नी थी, मतलब 11 से ही मैं NEET ओरिएंटेड पढ़ती थी, तो पहले से ही रश नहीं करती थी मैं कि मैं 10-12 घंटे पहले से ही पढूं। इट डिपेंड करता है कि क्वालिटी टाइम आप कितना गुजार सकते हैं बुक्स के साथ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं, बट वो उतना फोकस्ड नहीं होते हैं। मैं बस ये कहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े ना, 7-8 घंटे पढ़े आप 11 से ही, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। मतलब 2 साल आपको होते हैं, रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे दैट मेक इमेंस एक पहाड़ बन जाता है। वही ऐसा नहीं कि तो पूरा 1-2 हफ्ते बेहद ऐसा नहीं होना चाहिए। नर्वसनेस बहुत थी बट एक एक्साइटमेंट भी थी अंदर के फाइनली दिस जर्नी इज गोना बी एंड, क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था। मॉक टेस्ट में ठीक स्कोर आ रहा था, भैया भी साथ थे, वो भी काफी मॉरल सपोर्ट देते थे कि टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये ऑफिशियल की जब रिसेंटली आई थी 2-3 दिन पहले, वही मैंने देखा था कि मतलब ऐसा ही बन रहा है 680 का स्कोर, तो उससे हो गया था कि इंशाल्लाह हो जाए। फैमिली की मेहनत रंग लाई, खुशी तो होगी हमेशा। मैं सब स्टूडेंट से ही कहूंगी कि सबसे पहले तो फोकस रहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, इसमें 26-28 लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, और स्पेशली ओपन मेरिट की तो अब सीट रही ही नहीं उतनी। उनके लिए मैं कहूंगी कि डेडिकेटेड स्टडी करें और अपना चुने कहाँ से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि तो 11th मज कोचिंग सेंटर, 12th मज होथ मज, फोकस्ड रहिए, जितना आपको करना है डेडिकेटेड से करें, इंशाल्लाह।